युगों युगों से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तनों, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अपने भक्तों की सुविधा के लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप बनवाई है, जिससे कि शनिपीठ मंदिर के जो सभी हमारे भक्तगण हैं वो बड़ी सरलता से हमारे मंदिर की सभी सेवाओं का लाभ उठा सके। इस ऐप का नाम है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें तो आपको सीधे प्ले स्टोर पर उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इस ऐप को एक बटन दबाकर ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का एक और तरीका है, यदि आप इसके नाम को प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे यानी कि एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, इन वर्ड्स को आप प्ले स्टोर पर चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आप हमारी इस ऐप तक पहुंच जाएंगे। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप हमारे शनिपीठ मंदिर की कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप हमारे शनिपीठ मंदिर से फ्री में ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए समाधान जान सकते हैं और काफी कम प्राइसेस पर आप हमसे अंगूठियां भी खरीद सकते हैं, अपने लिए यज्ञ हवन पूजन इत्यादि का भी आयोजन करवा सकते हैं। ऐसी कई सारी सर्विसेज, ऐसी कई सारी सेवाएं हमारे शनिपीठ मंदिर द्वारा हमारे भक्तों के लिए प्रदान की जाती है। आज 8 मई 2020 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:01 तक रहेगी और उसके पश्चात द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 11:51 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:37 से लेकर 12:18 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशिफल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सरल और चमत्कारी उपाय, जिसे करके हर राशि का जातक अपना घर या दुकान शीघ्र अतिशीघ्र बना लेगा। आज आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित करके उसे भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार उसको दान दें। जब वह निर्धन व्यक्ति आपके घर से प्रस्थान करे तो आप उनसे आशीर्वाद अवश्य लें।
यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आप अपना घर या ऑफिस बनाने में सफल होंगे। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।